राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर सोलोगड़ा के समीप देखते ही देखते भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन में पहाड़ी दरकने के कारण मलबा राष्ट्रीय उच्च मार्ग तक पहुंच गया। मलबा सड़क तक पहुंचने के कारण वाहनों की काफी लंबे समय तक आवाजाही प्रभावित हुई। गनीमत यह रही कि पहाड़ी दरकने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। मलबा हटने के बाद ही वाहनों की आवाजाही का सिलसिला दोबारा से शुरू हो सका। बड़े खुशी की बात है कि फ्रेंड्स क्लब सोलन ने इस वर्ष भी जो है कोरोना काल के बाद ये क्रिकेट का टूर्नामेंट यहाँ आयोजित किया है। इस टूर्नामेंट में लगभग 40 टीमें जो है सोलन की और ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश से यहाँ आई है। और कोरोना काल के बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी हमारे नवयुवक जो है खेलने के लिए जो है उत्सुक है, और यहाँ छोटू ग्राउंड में जो है लगातार टूर्नामेंटों का आयोजन किया जा रहा है, चाहे वो फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो या फिर कबड्डी का हो। और मेरी सभी युवकों से प्रार्थना है कि जो ड्रग्स हैं उससे दूर रहें, और आने वाले समय में जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट जो भारत सरकार चला रही है, उस फिट इंडिया मूवमेंट को जो है फॉलो करें और सामाजिक तौर पे भी फिट रहें, फिजिकली फिट रहें और मानसिक तौर पे भी फिट रहें, ऐसा मेरा सभी को संदेश भी है और सभी से अनुरोध भी है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।